हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस फॉर केवीएस पीजीटी। इस वीडियो के अंदर हम चाइल्ड पेडागॉजी को डिस्कस कर रहे थे। अगर आप इस वीडियो के अंदर जो प्रेजेंटेशन है उसके नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज सेक्शन में जाके हमारे कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं। वी क्रिएटेड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज फॉर केवीएस पीजीटी, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड गेट कंप्यूटर साइंस। अ पार्ट ऑफ दिस यू कैन फाइंड कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड गेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस। सो इन दिस वीडियो हम इस वीडियो के अंदर पीजीटी के अंदर जो पेडागॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। आपको पता ही है कि जो हमारी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है, मैंने कल से आपकी पेडागॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर मैंने आपके साथ थ्योरीज डिस्कस करी थी। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पहले चेक कर सकते हो, जिसके अंदर हम तीन थ्योरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। थ्रॉनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, और उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी जो हमारी स्कीनर की थी, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो हमारी आईपी पेवलोन की थी, ठीक है। और हमने इनसाइड थ्योरी गेस्टाल्टवादियों की, यानी कि कॉलरबर्ग और आपकी कोफका की भी डिस्कस कर ली थी। चार वीडियोस आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर थ्योरीज डिस्कस करी थी मैंने। जो आज की हमारी थ्योरी है वो है आसुबेल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि आसुबेल के सीखने का सिद्धांत। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी फॉर अ लर्निंग पर्पस टू अवर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके सारे से डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेंगे कि आसुबेल का सिद्धांत क्या था, उसकी थ्योरी क्या थी, उसकी लर्निंग क्या थी, किससे कनेक्टेड थी। तो जो आसुबेल ने अपनी थ्योरी दी है ना सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, वो किसके ऊपर दी है? मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। आपको बताइए, आपने पहले पढ़ा भी होगा और मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस भी किया है, जो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है वो हमारी बेसिकली जीन पियाजे जी की है, जिन्होंने 4 स्टेप्स उसके अंदर दिए थे लर्निंग के, जिसके अंदर सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और देन कंक्रीट वाला, यानी कि फॉर्मल स्टेज रखी थी। 4 स्टेजेस उन्होंने दी थी लर्निंग के अंदर अपने कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर, ठीक है। जो आसुबेल है, इन्होंने भी अपनी जो थ्योरी दी है वो मॉडर्न यानी कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर दी है, यानी कि मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यही बनता है कि आसुबेल की थ्योरी किसके ऊपर है? कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर, ठीक है। कई बार ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि जीन पियाजे जी दे दिया ये सारे, तो ध्यान रखना जीन पियाजे जी की कॉग्निटिव थ्योरी है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे आधुनिक यानी कि मॉडर्न किसका है, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी किसकी है, वो आपकी आसुबेल की है, ठीक है। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी आपकी किसने दी है? आसुबेल ने दी है, यानी कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। अब आसुबेल ने जब संज्ञानात्मक, यानी कि संज्ञानात्मक आपको पता है हमारी माइंड से रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव जिसके अंदर हम सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, रिवाइज करते हैं, जो भी हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है ना चीज़ें। अब आप अपने दिमाग से, माइंड से क्या क्या चीज़ें करते हैं सोचिए, कोई बात को सोचना, रिकॉल करना, यानी कि किसी बात, किसी आप चीज़ को देख रहे हैं कि मैं लाइट्स को देख रही हूँ तो उसके बारे में सोच रही हूँ, या लाइट से मुझे कुछ याद आ रहा है, रिकॉल कर रही हूँ, किसी चीज़ को रिवाइज करना, या फिर अगर किसी चीज़ को कहते हैं डिस्क्रिप्शंस में लेना, जनरलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें आप किससे करते हो? अपने माइंड के थ्रू करते हो। आप विदाउट माइंड तो इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते ना। तो कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आसुबेल जी ने 4 टाइप्स से लर्निंग बताई थी कि बच्चा 4 टाइप से लर्निंग कर सकता है। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? रट्टा मारकर सीखना, यानी कि रोट लर्निंग। आसुबेल ने कहा था कि बच्चा फर्स्ट लर्निंग कैसे करता है? रट्टा मार के सीख सकता है, मतलब उसको अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, वो क्या कर सकता है? हूबहू रट्टा मारना क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे ABCD,
तो बच्चों को हूबहू यही सीखना है, उनको कुछ पता ही नहीं करना या उसके बारे में कोई दिमाग ही नहीं चलाना कि ए फोर क्या होता है, बी फोर क्या होता है, सी फोर क्या होता है, डी फोर क्या होता है। उनको ये चीज़ें अगर मैं ना बताऊं, सिर्फ इतना उनको बोलूं कि ए बी सी डी डी आपको लर्न करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, ए बी सी डी वन बाय वन उसको लर्न कर लेंगे, क्या उसका रट्टाफिकेशन कर लेंगे कि मैम ने ये सीक्वेंस में बताया और मैंने रट लिया, ठीक है। लेकिन अगर कल को मैं उनसे ये पूछती हूँ कि ए फॉर बी फॉर क्या होता है, सी फॉर क्या होता है, डी फॉर क्या होता है, तो उनको नहीं पता होगा क्योंकि उसका मीनिंग नहीं पता उन्हें। उन्होंने सिर्फ रट्टा मार के लर्निंग करी है, सिर्फ याद रखने के लिए किया है कि मेरे को जब मैम पूछे कि ए के बाद क्या आता है, बी सी से पहले क्या आता है, बी, तो मैं ये बता सकूं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, वो अल्फ़ाबेट क्यों है, ये इंग्लिश के हिंदी के क्या है, मैम ने ये सारी चीज़ें नहीं बताई। तो किसी भी चीज़ को हूबहू सेम सेम ऐसे ही रट लेना, याद कर लेना होता है रोट लर्निंग, यानी कि रट्टाफिकेशन। आप किसी चीज़ को, जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप छोटे होंगे या अभी भी आप कई टाइम बार ऐसे करते होंगे कि आपको लर्निंग करनी है, आपको कुछ या मतलब समझ नहीं आ रहा, दिमाग से ऊपर जा रहा है बार बार, ठीक है। आपने एक बार पढ़ा, दिमाग से निकल गया, दो बार पढ़ा, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो चीज़ क्या है या उसके लिए आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा जिससे आप उसको प्रॉपर वे में सीख सकें, तो आप क्या करेंगे कि यार एग्ज़ाम तो पास करना ही है और एग्ज़ाम में ये चीज़ आ गई तो मैं वहाँ पे कैसे करूँगा, तो कोई नहीं यार इसकी रट्टाफिकेशन कर लो, हो बा हो इस लाइन को रट लो और अपने घर में अपने भाई बहनों को या फिर मॉम डैड को आप हो बा हो सुना देते हैं कि जैसे ये डेफिनेशन है, इसका मीनिंग ये है। आप साइंस में, मैथ्स में जब भी किसी की लाइन की डेफिनेशन क्या है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसको क्या है, कई बार आप बिना समझते हुए भी हो बा हो ऐसी रट लेते हो क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, तो आप फटाफट हूबहू वही डेफिनेशन लिख देते हो, आपको लेकिन उसका मीनिंग पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया कि बच्चा कैसे सीखता है फर्स्ट वे में, रटकर वो कोई भी चीज सीख सकता है अकॉर्डिंग टू असुबेल थ्योरी, ठीक है। सेकेंड होता है अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि मीनिंगफुल सीखना। अब सेकेंड स्टेज में क्या आ गया कि बच्चा किसी भी चीज़ को अगर सीख रहा है तो उसको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो मीनिंगफुली उसको सीख सके। फर्स्ट स्टेज में बच्चे ने सिर्फ रट लिया था कि ए बी सी डी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी। लेकिन सेकेंड स्टेज में जो सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग है कि बच्चा कैसे सीख सकता है, उसको मीनिंगफुल भी सीख सकता है किसी भी चीज़ को। अब इस स्टेज में हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है, सी फॉर कैट होता है, और ये क्या है, आपने स्टार्टिंग से ही आप जब आप बच्चे होंगे या आपके पेरेंट्स बच्चे होंगे तब से आप यही सुनते आ रहे हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होती है, क्यों, बी फॉर बॉम्बे भी तो हो सकता है, बी फॉर बॉल ही क्यों होती है। तो बच्चे को जब भी स्कूल में पढ़ाया जाता है तो ये एक ऐसी सीक्वेंस और एक ये ऐसी लर्निंग बन गई है कि बच्चे को हर कोई टीचर भी यही बताती है कि बी फॉर बॉल, बी फॉर उसको कुछ और बता ही नहीं सकती, ठीक है, ए फॉर एप्पल ही बताएगी, ए फॉर कुछ और बताएगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे खुद बड़ा होता चला जाता है, उसे पता है कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल उस टाइम पे क्यों था, क्योंकि एप्पल का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो उससे स्टार्ट होता है, ए से, तो इसीलिए ए फॉर एप्पल कर देते हैं। बी का जो बॉल है, बॉल का फर्स्ट बड़ा अल्फाबेट बी से स्टार्ट होता है, इसीलिए वो बी फॉर बॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग आनी चाहिए, मीनिंगफुल हो जाता है सेकेंड स्टेज में उसके लिए कि बच्चा मीनिंगफुल, यानी कि उस का अर्थ समझते हुए किसी चीज की लर्निंग करता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में बच्चे ने कैसी लर्निंग करी, रोट लर्निंग करी, कि सिर्फ उसने बिना मीनिंग के समझते हुए, बिना समझे हुए सिर्फ रट्टाफिकेशन कर ली, हूबहू रट लिया। सेकेंड में उसने सेकेंड लर्निंग किस टाइप की बताई, आसुबेल ने सेकेंड लर्निंग बताई कि उसने कि आप मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों को करवा सकते हैं, उनका अर्थ बता सकते हैं वो समझते हुए कि इससे क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या इसका मतलब है, कहाँ पे हमें ये यूज़ करना है, क्यों यूज़ नहीं करना है, ठीक है।
अब थर्ड आता है अभिग्रहण सीखना, यानी कि रिसेप्शन ऑफ लर्निंग। ठीक है, अभिग्रहण के अंदर आता है कि आप किसी भी चीज को कितना अर्थ ग्रहण करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि मुझे ए फॉर एप्पल पता है कि ए फॉर एप्पल क्यों है, तो जैसे जैसे मेरी लर्निंग पावर स्ट्रांग होती जाएगी ना, तो मैं ए से और अल्फाबेट्स भी बना सकती हूँ और वर्ड्स भी बना सकती हूँ। बी फॉर बॉल है तो बी से फिर मैं बाद में क्या है और वर्ड्स भी बना सकती हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, मैं बी से बॉम्बे भी रख सकती हूँ। ठीक है, बी से बैट भी रख सकती हूँ, बी से बॉल भी रख सकती हूँ। तो अब बच्चे को क्या है, वहाँ पे तीन चार वर्ड्स उसको पता होंगे कि बी से केवल बॉल ही नहीं होता है, बैट भी हो सकता है, बॉम्बे भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे बल देती हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज नोट कीजिएगा, ये जो हमारे सारे पॉइंट है वो सारे कॉग्निटिव यानी कि आपके संज्ञानात्मक विकास के ऊपर डिपेंड है। सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी माइंड आप अपने माइंड के थ्रू करते हैं। आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं वो भी अपने माइंड से ही करेंगे लर्निंग, किसी चीज का मतलब समझ रहे हैं वो भी अपने माइंड से ही करेंगे, किसी चीज को अभिग्रहण कर रहे हैं यानी कि ग्रहण करते हुए आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, इसको कहाँ पे यूज करना है, इससे और चीजें कैसे बनेंगी, वो भी आप अपने माइंड के थ्रू ही कर रहे हैं। आप विदाउट माइंड तो नहीं कर सकते ना, आपको यही नहीं पता कि ए क्या है तो आप उसके और वर्ड्स कैसे बना पाएंगे, राइट। उसके बाद आता है फोर्थ, अन्वेषण सीखना यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। लास्ट जो लर्निंग बताई है आंसू बेल ने वो ये बताई है कि जब बच्चा कई बारी ऐसा होता है कि रट कर भी सीख लेता है, मीनिंगफुल भी सीखता है, कुछ चीज़ों को खुद ग्रहण करके भी सीख लेता है और फिर डिस्कवरी करके भी सीखता है। मतलब बच्चे को पहले कोई चीज़ पता नहीं होती लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डिस्कवरी कर लेता है अपने आप ऑटोमेटिकली कि उसको वो चीज़ उसकी लर्निंग में आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में नहीं या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपको किसी स्टैंड पे उतरना है। ठीक है, किसी बच्चे को अपने स्टैंड पे उतरना है लेकिन वो चलती बस से जो स्लो थोड़ी स्पीड होती है लेकिन रनिंग में होती है, तो बच्चा जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके उतरता है, तो उसको क्या है जोर से थोड़ा झटका लगता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में उसके साथ ये हुआ कि वो गिरने वाली कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो किसी ने उसको नहीं बताया या बता दिया, फॉर एग्जांपल कि उसको किसी ने लर्निंग करवा दी कि बेटा हमेशा जिस डायरेक्शन में बस जा रही है आप उसी डायरेक्शन में फेस करके उतरे, तो आपको किसी प्रकार का फोर्स यानी कि धक्का नहीं लगेगा, तो आपके साथ किसी चीज़ की ये एक्सीडेंट होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। ठीक है, तो वहाँ से क्या किया, बच्चे ने खुद डिस्कवरी करके सीखा, खुद अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। ठीक है, और बच्चे ने अगर फर्स्टली ऐसी कोई कंडीशन रखी कि उसने अपोजिट साइड फेस करके उतर रहा है, तो सेकेंड टाइम उसने क्या किया खुद ही कि वो बस की डायरेक्शन में फेस करके उतरता है जिससे उसको झटका नहीं लगेगा और वो थोड़ी सी दूर जाके खुद टर्न करके अपनी वापस की डायरेक्शन में अपोजिट साइड में आ जाएगा। तो उसने वहाँ पर क्या करी, वहाँ पे उसने ऐसी लर्निंग करी है कि वहाँ पे उसने खुद डिस्कवरी की है, वहाँ पे कोई उसको रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ी, कुछ उसको रिपीटेशन नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अपने ही द्वारा कोई ना कोई खोज के द्वारा डिस्कवरी करके उसने सीखा है। ठीक है, तो आशू बेल ने किसके ऊपर फर्स्ट जोर दिया था, उन्होंने मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी पर जोर दिया था यानी कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने चार स्टेप्स बताए थे कि लर्निंग सीखने के चार स्टेप हैं, चार तरीकों से बच्चे सीख सकते हैं। पहला रट्टा मारकर सीख सकते हैं, हूबहू आप किसी भी चीज़ को ऐसे देखकर सीख सकते हैं। उसके बाद होता है मीनिंगफुल, बच्चा सीख सकता है कि किसी भी चीज़ का अर्थ ग्रहण करते हुए बच्चा सीख सकता है। उसके बाद आता है अभिग्रहण करके यानी कि जो उसने अर्थ ग्रहण किया है उसको अप्लाई करके सीख सकता है। और लास्ट आता है डिस्कवरी करके यानी कि बच्चा किसी भी चीज़ की अपने द्वारा डिस्कवरी या खोज करके अपने लर्निंग कर सकता है। ठीक है, ये वाली थ्योरी छोटी सी है, यहाँ पे फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करूँगी आपके साथ। थैंक यू सो मच।